सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में पुलिस लगातार उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को अभिनेत्री और सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती अपना बयान दर्ज कराने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। पुलिस ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की। वह सुबह 11:30 बजे पहुंची और रात को 10:15 बजे के करीब वहां से निकली। रिपोर्ट्स में रिया के बयान और घंटे भर की पूछताछ के बाद कुछ बातें सामने आई हैं। रिया और सुशांत कथित तौर पर कार्टर रोड में अपने पेंट हाउस में एक साथ रहते थे, जिसे उन्होंने अपने दोस्त सिद्धार्थ पिटानी के साथ किराए पर लिया था। हालांकि सुशांत की आत्महत्या से कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती चली गई थी। पुलिस ने इस पर संदेह जताया है, लेकिन रिया ने बताया कि उनके बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह चली गई थी। रिया ने पुलिस को दोनों के बीच बातचीत वाले मैसेज को भी दिखाया और बताया कि इसके बाद उनकी बात हुई थी। कॉल रिकॉर्ड्स के माध्यम से यह भी पता चला कि रिया अंतिम शख्स थी जिन्होंने सोने से पहले शनिवार को सुशांत को फोन किया था। इसके बाद सुशांत ने महेश शेट्टी को पहले फोन किया, जिन्होंने जवाब नहीं दिया, और फिर उन्होंने रिया को फोन किया, लेकिन रिया ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वह सो चुकी थी। महेश ने उन्हें बैक कॉल किया, लेकिन फिर भी अभिनेता ने कॉल रिसीव नहीं किया। रिपोर्ट्स के अनुसार रिया ने सुशांत के परिवार और दोस्तों के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। रिया और सुशांत की फ्लैट में सिद्धार्थ पिटानी को लेकर बहस भी हुई थी। उन्होंने सुशांत को कहा था कि सुशांत उसे अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहे। रिया ने माना कि वह उनके दोस्त को फ्लैट में रखने के पक्ष में नहीं थी। एक बार जब रिया ने अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया था और अपने बहन के साथ आकर रहने के लिए कहा था। हालांकि सुशांत के परिवार ने अंतिम संस्कार के दौरान रिया से दूरी बनाई हुई थी।